तो यार राम राम सबको। आज यहाँ पर हमारे हाथ में है बोल्ट की नई वॉच, का नाम है स्ट्राइकर प्रो वॉच। जो है पहन के अपन ने यूज भी कर लेगी, फुल ब्लैक कलर, मेटालिक ब्लैक आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, झमाझम सी वॉच है भाई। यूज बहुत अच्छी लगी मुझे वॉच, मैंने एक्सपीरियंस किया है इसका, तो आपके साथ भी शेयर करता हूँ फटाफट से। और उससे पहले आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, कंटेंट पसंद आया तो भाई की वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बात करें डब्बे को लेकर, डब्बे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, कुछ वॉच के आपको हाईलाइट्स देखने को मिल जाते हैं। कंटेंट पैकेज को लेकर बात करूँ तो आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट दे रखे हैं। सबसे पहले आपकी वॉच मिल जाएगी, नीचे आपको एक्सेसरीज का एक बॉक्स देखने को मिलेगा जहाँ पे आपकी चार्जिंग केबल है, दो आपको यहाँ पे पेपर वर्क देखने को मिल जाते हैं, एक यहाँ पर कार्ड है जो कि क्यूआर कोड हमें प्रोवाइड कर रखा। अब यूजुअली जो कंपनी होती है वो 12 महीने की वारंटी देती है, बट ये कंपनी आपको 15 महीने की वारंटी प्रोवाइड करती है। बट करना कुछ नहीं, बस आपको ये जो क्यूआर कोड है इसको स्कैन करके रजिस्टर करना पड़ेगा, तो आपकी 3 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी यहाँ पे जो है चालू हो जाएगी। साथ में आपको मिल जाती है एक मैनुअल, इस पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है डिवाइस रिलेटेड, किस तरीके से इसको यूज करना है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मेन वॉच को लेकर मैं बात करूं तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी इसका जो डायल साइज है वो बहुत परफेक्ट रखा है। मतलब यूजुअली क्या होता है ना कि डायल साइज बड़े होने की वजह से जो थिन रिस्ट वाले लोग होते हैं वो काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उनके लिए कहीं ना कहीं जो वॉच का ऑप्शन है वो खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर डायल साइज बहुत परफेक्ट है और आपके हाथ में काफी अच्छे तरीके से फिट हो जाती है। स्पेशली जो डिजाइन स्ट्रक्चर को लेकर बात करूँ, काफी मिनिमलिस्टिक इन्होंने रखा हुआ है और साइड में आप देख सकते हैं कि जो मेटलिक फ्रेम है वो सॉलिड फील इसको देती है। टॉप पे आपको कर्व्ड ग्लास देखने को मिल जाता है, साइड में जो है आपको 22mm के जो है स्ट्रैप्स देखने को मिलते हैं और ये स्ट्रैप जो है रिमूवेबल वाले प्रोवाइड कर रखे, तो मुझे ये चीज अच्छी लगी। ऐसा नहीं कि आपको इन्हीं के साथ काम चलाना है, अगर आपको लग रहा है कि आपको जो है सिलिकॉन वाले डालना है तो सिलिकॉन वाले भी डाल सकते हो, तो ये चीज अच्छी है। इजी पिन वाला सॉल्यूशन जो है आपको हमें प्रोवाइड कर रखा है। फिजिकली ओवरव्यू की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक रोटेटिंग क्राउन जो कि बहुत प्रॉपर वर्क करता है, मतलब पूरा फंक्शन देखने को मिलता है और मुझे इसकी रोटेटिंग क्राउन की जो फील है वो अच्छी लगी है। ऐसा नहीं कि लूज फील हो रहा है, बहुत सारी वॉचेस में आते हैं ना जो लूज फील करते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं है। मुझे वो इसका टेक्टाइल फीडबैक वगैरह है वो काफी प्रॉमिसिंग लगा है। इवन यहाँ पर नीचे आपको एक सिंगल बटन प्रोवाइड कर रखा है जो कि डेडिकेटेड आपके स्पोर्ट्स मोड के लिए दे रखा है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी साइड में आपको यहाँ पे स्पीकर और आपको माइक्रोफोन देखने को मिलेगा और बैक में आपके सारे सेंसर और चार्जिंग पॉइंटर आपको नजर आ जाता है। तो ये तो हो गया भैया फिजिकल ओवरव्यू और वॉच के बेल्ट डिजाइन के बारे में बातचीत। यहाँ पर जो अब मेन बात आ जाती है वो है इसका डिस्प्ले। 1.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है जिसकी जो ब्राइटनेस वगैरह है, जिसके जो लुक्स हैं, कलर्स हैं, वो काफी पंची आपको देखने को मिलते हैं और AMOLED का फील कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है अगर हम लोग वॉचेस को लेके बात करते हैं। और ब्राइटनेस की मैं यहाँ पर बात करूँ तो ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है, मतलब अगर आप आउटडोर में जा रहे हो, हैवी एक्सट्रीम सनलाइट भी गिर रही है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको वॉच जो है विजिबल हो जाती है, जो कि काफी वॉचेस में कंसर्न होता है, तो वो कंसर्न आपके लिए यहाँ पर नहीं है। प्लस ये वॉच 68 की रिफ्रेश रेट के साथ में आती है और डिस्प्ले भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जिसको आपको एनेबल करना पड़ेगा, और एनेबल करने के बाद जो है अब यहाँ पे AODs जो है देख सकते हैं वॉच के अंदर। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे वैसे AOD में, एक डिजिटल वाला और एक एनालॉग वाला, जो भी आपको एनेबल करना है वो आप यहाँ से जो है एनेबल कर सकते हो उसकी सेटिंग में जाके, और अच्छे भी लग रहे हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है। और ब्राइटनेस यहाँ पर AODs की भी इनफ आपको मिल जाती है। इसके अलावा वाटर रेटिंग की बात करें तो ये IP67 रेटेड है, तो अगर आप शॉवर वगैरह में जा रहे हो या बारिश वगैरह में वॉच पहन रहे हो तो भैया बिल्कुल पहन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी खास चीज आती है सेंसर को लेकर, तो सेंसर भी आपको बढ़िया मिल जाते हैं, सारे सेंसर जो है मेन आपके SPO2 HR एक्सीमीटर प्रॉपर जो है इन्होंने हमें प्रोवाइड कर रखे, तो एक्यूरेसी में थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है बेटरमेंट देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई भैया यहाँ पे हार्डवेयर को लेकर बातचीत, ऐसे कुछ भी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है, जो भी आपके हार्डवेयर रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे जो है वॉच में सारे प्रोवाइड कर ही रखे। अब बात करूंगा मैं इसके UI को लेके, क्योंकि UI जो है मुझे पर्सनली बहुत इंप्रेस करी, मतलब हम लोगों ने वॉचेस में UI देख रखी है और बहुत कॉमन और सिमिलर टाइप की UIs कहीं ना कहीं नजर आती है, बट इनकी UI में इन्होंने काफी अच्छे से काम किया है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो एनिमेशन आपको देखने को मिलते हैं वो काफी अच्छे हैं, तो देख सकते हैं इसे आप ऊपर सर्व करोगे तो आपको टॉगल्स देखने को मिल जाते हैं आपके, जैसे DNT हो गया, ब्राइटनेस हो गया, वेग गेस्चर हो गया, नीचे सर्व करने में आपको नोटिफिकेशन वगैरह रीड हो जाती है, राइट सर्व पे आपका जो भी आपकी एक्टिविटीज हो गई, फोन कॉल हो गया, HR हो गया, स्टूट हो गया, वो आपको देखने को मिल जाता है। अदर साइड से करने पे आपका जो है मेन्यू अपीयर हो जाता है और जो ट्रांजिशन इफेक्ट्स है भाई बड़े कूल से आपको मिलते हैं। और वॉच फेसेस की रही बात चेंज करने की, तो आप क्राउन रोटेट करके जो है वॉच फेसेस यहाँ पर जो है चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको लाइव वॉच फेसेस जो है प्रोवाइड कर रखे हैं जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा फील और भी अच्छा बना देते हैं, तो मेरे को भैया उसमें तो कोई यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज लगा नहीं है। UI बढ़िया और स्मूथ आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो इनकी मेन्यू है, मेन्यू की थीम को भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर वो चेंज करने का ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड कर रखा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लुक एंड फील और भी वॉच में आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है। 3 ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू और हनीकॉम वाला। तो ऐसा भैया UI तो है आपको बहुत इंप्रेसिव देखने को मिलेगी यहाँ पर, कंपेयर टू जो वॉचेस आपने देखी है यूज करी ना, तो उसके मुकाबले तो UI बढ़िया है। और एक चीज बताना चाहता हूँ आपको कि इसका एक्सपीरियंस UI का और अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे 60Hz का जो है आपको डिस्प्ले प्रोवाइड कर रखा है, तो आप जब UI में इंटरेक्ट करोगे तो वो जो स्मूथनेस है वो आपको प्रॉपर यहाँ पे फील होगी एनिमेशन वगैरह में। तो नो डाउट जो UI और डिस्प्ले है वो कहीं ना कहीं इस वॉच को थोड़ा सा अब लिफ्ट कर देता है इस प्राइस सेगमेंट में आने वाली दूसरी वॉचेस।
के मुकाबले। अब रही बात हमें फीचर्स को लेकर, तो भैया फीचर्स में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रखे उन्होंने, आपको 120 प्लस स्पोर्ट्स मोड प्रोवाइड कर रखे। मतलब आप अगर डिफरेंट एक्टिविटीज करना पसंद करते हैं तो वॉच में आप बिल्कुल एनेबल करके जो है एक्टिविटीज वगैरह करने जाओ, और डेडिकेटेड स्पोर्ट्स बटन प्रोवाइड कर रखा है, और आप देख सकते हैं कि वो भी यहाँ आपको प्रॉपर देखने को मिलता है। और थीम और यूआई के हिसाब से आपको बहुत अच्छा इंट्रैक्शन भी देखने को मिलेगा, और ऐड कर सकते हो, आपको जो भी ऐड करना है वो आप अपने हिसाब से ऐड भी कर सकते हो। अब रही बात देखो यहाँ पर जो हम एचआर रेडिंग की बात करते हैं या एसक्यूटो को लेकर बात करते हैं, हम लोग मोशन ट्रैकिंग को लेकर बात करते हैं, तो वो भी आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने सेंसर के बारे में ऑलरेडी मैंशन किया था, यहाँ पे सारे सेंसर वगैरह प्रॉपर आपको मिल जाते हैं, और देख सकते हैं कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न कर रखी है, आपने कितना मूवमेंट किया है, आपने कितनी एक्सरसाइज करी, वो सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और रही बात एचआर रीडिंग और एसक्यूटो को रीडिंग की लोग, तो वो भी काफी क्लोज टू क्लोज आपको देखने को मिलती है, तो एज सच मुझे रीडिंग्स में भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लगी है, और आपको परफेक्ट कहीं ना कहीं एनालिसिस जो है देखने को मिल जाता है। और इस प्राइस सेगमेंट में आने वाली बॉसेस के मुकाबले आपको थोड़ा सा एक बेहतर एज कहीं ना कहीं नजर आएगा इसकी ट्रैकिंग में। बट चूंकि मेरा कंसर्न हमेशा रहता है हेल्थ को लेके, आपकी हेल्थ को ज्यादा दिक्कतें आ रही है, तो प्लीज अपना मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट्स का यूज करें, क्योंकि जो वॉचेस वगैरह होती है एक एल्गोरिथम पे वर्क करती है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अप डाउन हो सकता है, बट अगर आपको कोई दिक्कतें हैं ज्यादा मेजर, तो आप जो है मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट को प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो टेस्ट वगैरह करने के लिए। अब रही बात है बाकी फीचर्स को लेकर, तो भैया फीचर्स और भी बहुत सारे प्रोवाइड कर रखे, और हम लोग जब भी एसेंशियल फीचर्स की बात करते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर टाइमर हो गया, अलार्म हो गया, स्टॉपवॉच हो गया, कि ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो हमें वॉच में कहीं ना कहीं चाहिए होती है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर आपको जो है स्लीप मॉनिटरिंग देखने को मिल जाएगा, कितना आपने हार्ड स्लीप किया, लाइट स्लीप किया, प्रॉपर आप स्लीप की ट्रैकिंग देख सकते हो यहाँ पर। इवन आपको बीपी वाला ऑप्शन भी उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज वाली ट्रेनिंग आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अपने आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। फोन का यानी कि कॉलिंग ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रखा है। कॉलिंग की हम लोग जब भी बात करते हैं तो फोन में आपको तीन चीज़ें बेसिकली मिल जाती हैं, एक आपका डायल पैड होता है, एक आपका फेवरेट कॉन्टैक्ट होता है, और आपको यहाँ पे कॉल हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। और रही बात परफॉर्मेंस को लेके, किस तरह की परफॉर्मेंस ये कॉलिंग के टाइम पे देती है वॉच, तो फटाफट से अपन एक बार कॉल करके देख लेते हैं। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो वॉच के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ये वॉच देगी जब भी आप इसको कॉलिंग के टाइम पे यूज करने वाले हैं। बाकी जैसे कि आपको म्यूजिक कंट्रोल करना है तो आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो वॉच के थ्रू, कैमरा कंट्रोल करना है तो कैमरा कंट्रोल भी कर सकते हो, मैसेज वगैरह आपको देखना है तो वो आपको मिल जाएगा, कैलकुलेटर वाली चीज भी दे रखी है। तो भैया ये बढ़िया काम किया इन्होंने कि ऑन को छोटे मोटे कैलकुलेशन करना होता है, जैसे पार्टी वार्टी में कहीं जा रहे हैं थोड़ा सा खर्चा वर्चा हो गया और अपने को हाथ पे कैलकुलेट करने का ऑप्शन मिल जाता तो बढ़िया थोड़ा ईजी पड़ता है, तो वो यहाँ पर आपको दे रखा है इन्होंने। इवन फीमेल साइकिल आपको प्रोवाइड कर रखा है, तो अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह ट्रैक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी आपको दे रखा है, वेदर इन्फॉर्मेशन अगर आप देख सकते हैं, फाइंड माय फोन भी मिल जाता है इनके से, अगर आपका फोन कनेक्टेड है और मिल नहीं रहा है तो आप वॉच से जो है उसको रिंग कर सकते हो, तो वो सारे फीचर भी आपको दे रखे। सेटिंग में चलते हो, सेटिंग में आपको डिस्प्ले में जो है यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि ब्राइटनेस हो गया, ऑटो स्लीप आपको यहाँ पर चेंज करना है, मेन्यू के व्यू चेंज करना है, फेवरेट्स आप यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से इसके मेन्यू में, तो ये एक अच्छा ऑप्शन दे रखा है। क्विक व्यू वाला जो ऑप्शन आपको चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। स्क्रीन क्लॉक यानी कि आपका जो एओडीज वगैरह है वो मैंने आपको बता ही रखा है। वाइब्रेशन को लेके बात करूं तो वाइब्रेशन की स्ट्रेंथ को आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, स्ट्रॉन्ग पे काफी अच्छा फीडबैक मिलता है, और रिंग करना है तो रिंग भी आप ऑन कर सकते हो। डीएनडी मोड भी दे रखा है, पावर मोड दे रखा है यहाँ पे आपको, बाकी सिस्टम की सेटिंग्स आपको मिल जाती है, रीसेट हो गया, रिस्टार्ट हो गया, पावर ऑफ हो गया, रीसेट करना है तो वो आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा। तो भाई सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में तो वॉच काफी फुलफिल्ड है। अब रही बात इसकी एप्लीकेशन को लेके, तो बोल्ट के खुद की एप्लीकेशन है ये, और इस एप्लीकेशन में आपको सारी जो है फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में सारी आपका हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, कितना आपने रन किया है, कितना आपकी कैलोरीज वगैरह बर्न कर रही है, एचआर एसक्यूटो वगैरह। बाकी सेटिंग्स में आते हैं तो वॉच फेसेस आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉच फेसेस अवेलेबल कर रखे हैं, 150 से भी ज्यादा वॉच फेसेस अवेलेबल हैं, तो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज करके लगा सकते हो। खुद का फोटो वगैरह लगाना तो वो भी आप जो है यहाँ पर वॉच में लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी चीज़ों को लेके बात करें तो रिमाइंडर्स हैं, अलर्ट्स वगैरह डालने हैं तो वो आप डाल सकते हो, कॉन्टेक्स्ट वगैरह आपको ऐड करना है वॉच में तो आप यहाँ एप्लीकेशन से कर सकते हो, तो सारी फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर ऐप पे देखने को मिल जाती है। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये वॉच जो है दो प्राइसिंग में है, एक जो ये मेटल वाला वर्जन है ये आपको 2500 रुपये के प्राइस से मिलता है, वहीं इसका जो नॉन मेटल वर्जन है जो सिलिकॉन में आपको देखने को मिलता है वो अराउंड 2300 के आता है। तो इस प्राइसिंग पे भैया बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहा है मार्केट के लिए, क्योंकि जो एमोलेड डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा है, बिल्ट डिजाइन काफी अच्छे आपको देखने को मिलती है, और जैसा कि मैं वॉच को लेकर बात करूं ये मेल फीमेल दोनों पे अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं अगर फीमेल खरीद रही हो तो उनके हाथ पे ये बड़ी लगेगी या उनके हाथ पे सूट नहीं करेगी, तो ये वॉच जो है यूनिसेक्स वॉच है, और मेरे हिसाब से अगर आप एक 2500 रुपए के प्राइस पॉइंट पे देखते हैं कोई वॉच को तो ये एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बन सकता है, जिसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग, एमोलेड डिस्प्ले वगैरह देखने को मिल जाता है। तो होपफुली अगर आपको वॉच इंटरेस्टिंग लगी है तो इसकी जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ज्यादातर भाई के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट्स को पढ़ता हूं ना तो खुशी मिलती है और आपको वो हार्ट देने में भी बड़ा मजा आता है। बाकी मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिटिंग रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।